हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एमपीपीएससी फेयरवे परीक्षा 2019 के लिए। ये मॉडल पेपर है, दृष्टि आईएएस ने निकाली हुए है, ठीक है। सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट है, ठीक है, फेयरवे परीक्षा के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। आप लोगों को बता दें, ये 2 घंटे का समय मिलता है इसमें और 200 नंबर का रहता है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 202 नंबर का रहता है, ठीक। एक क्वेश्चन 2 नंबर का। चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो आपको बता देना है कालिदास में, ठीक है। डी ऑप्शन है इसमें, याद रखिए। हर्ष ने निम्नलिखित में से किस रचना का लेखन किया था? तो याद रखिए, इसमें बी ऑप्शन सही है। कौन कौन सा? बी ऑप्शन है इसमें, प्रियदर्शी का, नागानंद और रत्नावली, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? अलाई दरवाजा, तो आपको बता देना है कुतुब मीनार का, ए ऑप्शन है, ठीक है, 3 का ए। फिर इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक है? गजनी, तो याद रखिए 4 का है ए, अलप्तगीन। 5वां, भारतीय क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, ठीक। फिर 6वां क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन सा हुआ था? तो याद रखिए 17, बी ऑप्शन है। 7वां क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो आप लोगों को बता देना है लॉर्ड डलहौजी के काल में। 8वां क्वेश्चन, किसने लिखा था कि इस निर्णय ने इंकार करना कठिन है, तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो याद रखिए आरसी मजूमदार, ए ऑप्शन है। 9वां, भारतीय राजनीति का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो याद रखिए दादाभाई नौरोजी को। अगला 10वां क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य अंदर तक सड़ चुका है, यह भ्रष्ट दमनकारी और घटिया है, यह कथन किसका है? तो याद रखिए सी, सिस्टर निवेदिता, ठीक है। बात करते हैं 11वां क्वेश्चन, एक निश्चित आकृति के ताराओं का समूह कहलाता है? तो याद रखिए नक्षत्र, बी ऑप्शन है 11 का। 12वां क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, घास है और देश है, ठीक है। तो याद रखिए 13, 12 का ए ऑप्शन है, मतलब पंपास ये अर्जेंटीना में घास का मैदान, पुस्ताज ये हंगरी में, वेल्ड ये दक्षिण अफ्रीका में, और डाउन्स कहाँ है? याद रखिए ऑस्ट्रेलिया, ठीक। याद रखिए 12वां का ए ऑप्शन है। 13वां क्वेश्चन, बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? बुशमैन जनजाति पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में, ठीक है, ए ऑप्शन है। 14, पृथ्वी द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा का कुछ हिस्सा परावर्तित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिए पृथ्वी का अल्बेडो कहा जाता है, सी ऑप्शन है। 15, अधोलिखित में कौन शीत महासागर भरा नहीं है? तो याद रखिए इसका है अबुलहास, डी ऑप्शन है 15 का। 16, निम्नलिखित में से किन उत्तर पूर्वी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? उत्तर पूर्वी राज्यों से, ठीक है। तो याद रखिए इसमें त्रिपुरा और मिजोरम है, ठीक है, 8 राज्यों से गुजरती है, याद रखिए, जिनमें त्रिपुरा और मिजोरम भी शामिल है। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए 17 का है साफिर सिम्पसन मापक, ए ऑप्शन है, ठीक। 18वां क्वेश्चन, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? पूर्वी तथा पश्चिमी घाट किस स्थान मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर,
19वां क्वेश्चन, भारत के अधिकांश क्षेत्र में खारे पानी के मगरमच्छ दुर्लभ हैं, परंतु किस क्षेत्र में खारे पानी के मगरमच्छ आम हैं? तो याद रखिए सी उड़ीसा व सुंदरबन में। 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? ठीक है, तो याद रखिए एवरडीन, 20 का बी है। ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है? ठीक है, तो 21 फजेंडा कहते हैं, डी ऑप्शन है 21 का। 22, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो याद रखिए गतिज ऊर्जा, ए ऑप्शन है। 23, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? 23, बी ऑप्शन सही है, वाष्पीकरण द्वारा। 24, एरोसोल का उदाहरण है, तो याद रखिए एरोसोल का उदाहरण है धुआं, सी ऑप्शन है 24 का। 25, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है, तो याद रखिए नाभिकीय संलयन, डी ऑप्शन है। 26, खच्चर किसकी वर्ण संकर संतान होती है? तो घोड़ी और गधे की, डी ऑप्शन है। 27, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? सी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑप्शन है ठीक। 27 का। 28, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं? तो याद रखिए ए ऑप्शन, एडम स्मिथ ने लिखा था वेल्थ ऑफ नेशंस। 29, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, 29 का बी है। 30, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय किसने आकलन किया? दादाभाई नौरोजी, ए ऑप्शन है। 31, निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, ए ऑप्शन सही है। 32, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? 32, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2015 को, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया है नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को। काली क्रांति संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से, काली क्रांति संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से। 34, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच है, याद रखिए WTO। 35, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया? ए 330, आर्टिकल 330 में, ठीक है ए ऑप्शन सही है। 36, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? तो याद रखिए बी ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर में, कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट में, बी ऑप्शन है 36 का। 37, संथानम समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित कार्यालयों में से कौन सा भारत में स्थापित किया गया था? केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये ऑप्शन सही है। 38, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान में नहीं है? 38, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, वित्त आयोग का है, लोकसभा सचिवालय का है, चुनाव आयोग का है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नहीं है। 39, आर्थिक योजना किस सूची में आती है? आर्थिक योजना किस सूची में आती है? समवर्ती सूची में। 40, पारिस्थितिकी टास्क फोर्स का गठन कब हुआ? याद रखिए 1982, ए ऑप्शन सही है। 41, ग्रीन वॉश इंगित करता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा, ए ऑप्शन है 41 का। 42, पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब
पारित किया गया 42 ये 1986 में, 43 42 का ये है 1986 पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1986 में पारित किया गया। 43 क्वेश्चन नंबर 43 नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव विविधता, बी ऑप्शन है। 44 नारायण सरोवर अभ्यारण किसके लिए प्रसिद्ध है? नारायण सरोवर अभ्यारण किसके लिए प्रसिद्ध है? चिंकारा के लिए। 45 एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? ए क्रिकेट। 46 द वर्ल्ड बीनीथ हिज फिट किसकी जीवनी है? द वर्ल्ड बीनीथ हिज फिट, याद रखिए 46 ये है 46 का, पुलेला गोपीचंद। 47 ओलंपिक चिन्ह में कितने रिंग होते हैं? ओलंपिक चिन्ह में कितने रिंग होते हैं? 5 बी ऑप्शन है, याद रखिए बी ऑप्शन है, ओलंपिक चिन्ह में 5 रिंग होते हैं। 48 मध्य प्रदेश के किस जिले को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया? तो याद रखिए रीवा, बी ऑप्शन है 48 का। 49 निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य शारदा पीठ कॉरिडोर निर्माण के संबंध में सहमति व्यक्त की गई? तो याद रखिए भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान 49 का सी है। 50 विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिए 23 मार्च। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को, विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को, ठीक है। 52 वॉर ओवर वर्ड्स सेंसरशिप इन इंडिया 1930-60 पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिए देविका सेट्टी, बी ऑप्शन है 52 का। 53 श्रीदेवी गर्ल वुमन सुपरस्टार पुस्तक की लेखिका कौन है? 53 का है, बी सत्यार्थ नायक। 54 दिसंबर 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2019 प्रदान किया? तो याद रखिए 54 का ए है, विद्याधर व्यास। तानसेन सम्मान 2019 का विद्याधर व्यास को मिला है, 54 का ए है, 54 का ए है। 55 वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पर है? वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? याद रखिए बी ऑप्शन सही है, 52 ठीक है। 56 देश के समुद्र तटों को स्वच्छ बनाने और जनता में तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ निर्मल तट अभियान प्रारंभ किया गया? 56 ए है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। 56 का ए है। 57 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की मेजबानी की है? चीन ने। 57 का डी है। 58 2019 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किन्हें दिया गया है? प्रणव मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेंद्र हजारिका, तीनों को मिला है, डी ऑप्शन है इसमें उपयुक्त सभी। 59 हाल ही में यूनेस्को ने 2020 के लिए वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर किस शहर को घोषित किया है? रियो डी जेनेरो को, ठीक है, डी ऑप्शन है 59 का। 60 दिसंबर 2019 में राष्ट्रपति कोविंद ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुए पाइका विद्रोह के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उड़ीसा में एक समारोह स्मारक की आधारशिला रखी। यह स्मारक किस जिले में स्थित है? बारूनेई पहाड़ी पर निर्मित किया जाएगा। तो याद रखिए 60 का ए, खुर्दा।
61 का खुर्दा है ए। 61 मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है, उड़ीसा नहीं है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा नहीं है। 5 राज्यों से सीमा लगती है मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सॉरी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। सबसे ज़्यादा लगती है उत्तर प्रदेश से, सबसे कम लगती है राजस्थान, गुजरात से। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, सबसे कम गुजरात। 61 का बी है, याद रखिए। 62, इनमें से किससे मध्य प्रदेश का झीलों का शहर कहते हैं, याद रखिए डी है 62 का, भोपाल। वर्ष 2019 में शांति के लिए क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता अबी अहमद अली किस देश के हैं, याद रखिए तो ये है इथोपिया। 63 का बी है। 64, एनजेटी श्रीनिवास समिति का संबंधित है, एनजेटी श्रीनिवास समिति संबंधित है, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से। 65 और 64 का डी है, याद रखिए। 65, ब्रेग्जिट की समय सीमा हाल ही में बढ़ाकर कर दी गई, 31 जनवरी 2020, बी ऑप्शन है 65 का। 66, भारत के संदर्भ में निम्न में से किस नेता ने एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चल सकते हैं का नारा दिया था, तो याद रखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी ऑप्शन है 66 का। 67, टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर के कंप्यूटरों के मध्य आंकड़ों का आदान प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है, तो याद रखिए 67 का है बी ऑप्शन, मॉडेम। 67 का बी है। 68, कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ए ऑप्शन है सही, 68 का ए है। 69, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने लोकोस्कैन नामक एक औषधि विकसित की है, इसका इस्तेमाल के उपचार में किया जाता है, तो याद रखिए लिपोडर्मा के उपचार में किया जाता है, बी ऑप्शन है 69 का। 70, भारत में धारणीय विकास की दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, याद रखिए जल विद्युत, सी ऑप्शन है 70 का। वर्ष 2013 में आगर मालवा जिले का गठन किस जिले को विभाजित कर किया गया था, तो याद रखिए ये ऑप्शन साजापुर, साजापुर से अलग किया गया था, 71 का ये है। 72, मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य क्षेत्र को भी कहा जाता है, मालवा का पठार, मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य क्षेत्र को मालवा का पठार भी कहा जाता है, 72 का भी है। 73, अशरफी महल कहाँ स्थित है, अशरफी महल कहाँ स्थित है, सी मांडू में, 73 का सी है। 74, मध्य प्रदेश के में महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है, 74 ए रीवा में, मध्य प्रदेश में महामृत्युंजय का मेला रीवा में लगता है, 74 का ए है। 75, आलाखंड की रचना की जगनिक ने, बी ऑप्शन है 75 का। 76, गौड़ जनजाति के दूध लुटावा प्रथा संबंधित है विवाह से, ठीक है, गौड़ जनजाति के दूध लुटावा प्रथा संबंधित है विवाह से, 76 का सी है। संजीवनी, 77वां क्वेश्चन, संजीवनी दीनदयाल 108 क्या है, प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा, 77 का ये है। 78, टू हेल विद हॉकी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, याद रखिए सी असलम खान के द्वारा, सी ऑप्शन है 78 का। 79, निम्नलिखित में से कौन कभी भी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा, तो याद रखिए 79 डी सुभाष यादव नहीं रहे, वीरेंद्र सकलेचा रहे, कैलाश सत्यार्थी रहे, सॉरी कैलाश जोशी रहे, उमा भारती जी रही, उमा भारती भारत मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री थी, तो ये 79 का डी ऑप्शन है। 80,
पंचायत दर्पण क्या है? पंचायत दर्पण क्या है? तो याद रखिए, पंचायतों पंचायती राज योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए निर्मित वेबसाइट। ठीक है, चलिए। तो 80 का है सी। 81 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 81 ए 21.1%, सॉरी 82। मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? याद रखिए 1984। सी ऑप्शन है 82 का। 83, निम्नलिखित में से किसे ताई के नाम से जाना जाता है? सुमित्रा महाजन, डी ऑप्शन है, मध्य प्रदेश की है। 84, सुर सामग्री लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? याद रखिए इंदौर में। कहाँ? इंदौर में। 84 का ये है। 85, मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन नंबर है, तो याद रखिए बी ऑप्शन 181। 86वां क्वेश्चन, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति का उपबंध है? नियम बनाने की शक्ति का उपबंध है, तो याद रखिए धारा 16 खा में। ठीक है। 87, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा में होटल शब्द को परिभाषित किया गया? तो याद रखिए 87 का ए है, धारा 2 काका में। ठीक है, 2 खा में स्थान की परिभाषा है, 2 गा में है लोक मनोरंजन स्थल, और 2 घा में है लोक पूजा स्थल। ठीक, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 इसे 8 मई 1955 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी, और 1 जून 1955 को ये लागू हुआ था। याद रखिए पूरे भारत में लागू होता है। ठीक, 87 का ए है। ठीक है, 88, लाडली लक्ष्मी योजना का किस मुख्यमंत्री ने आरंभ की थी? लाडली लक्ष्मी योजना किस मुख्यमंत्री ने आरंभ की थी? इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, 88 का डी है। 89, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कुछ मामलों में न्यायालय द्वारा उपधारा का उपबंध किया गया? तो याद रखिए 89 ये ऑप्शन है, 12 धारा 12 में। 90 क्वेश्चन नंबर, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत धार्मिक नियोक्ताएं लागू करने के लिए दंड का उपबंध किया गया? याद रखिए 90 का ये है, धारा 3 में। धारा 4 में है सामाजिक नियोक्ता लागू करने से संबंधित। ठीक है, धारा 14 में है। धारा 14 में क्या है आपको बता दें, कंफर्म कर दें। धारा 14 में है कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने में। ठीक है, और धारा 15 में है अपराध संज्ञेय है। ठीक है, 91 क्वेश्चन नंबर, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी को परिभाषित किया गया है? याद रखिए 91 सी ऑप्शन है, खाचा में, 2 खाचा में। ठीक है, बात करते हैं 92 क्वेश्चन नंबर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार नियम 1995 की निम्नलिखित में किस धारा में वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध है? धारा 18 में। 92 का सी है, कुल 18 धाराएं ही हैं इसमें। ठीक है, याद रखिए। 93, निम्नलिखित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत कोई व्यक्ति
जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसका गृह, ग्राम या निवास का अन्य स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करेगा या मजबूर करवाएगा, तो वह किस अवधि के कारावास से दंडित होगा? तो याद रखिए, जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी, किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से। ठीक है, ये ऑप्शन है 93 का, ये ऑप्शन है सही। 94, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 में कुल कितनी धाराएं हैं? वह याद रखिए, 94 ये ऑप्शन है 18। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में पीड़ित और साक्षी के अधिकार का प्रावधान है? तो याद रखिए, 95 का ये है, 15 का में। ठीक है, याद रखिए, अध्याय 4 का जोड़ा गया था 2014 में। ठीक है, उसी के तहत ही। 96 क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत दंडपिकीय संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए अधिनियम के अधीन किसी मामले का विचारण करने वाले विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय पीड़ित, उसके आश्रित, सूचनाकर्ता या साक्षियों को निम्नलिखित में से कौन सुविधा प्रदान करेगा? तो याद रखिए, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन है 96 का, न्याय प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण संरक्षण, अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान यात्रा तथा भरण पोषण व्यय, अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान सामाजिक आर्थिक पुनर्वास। 96 का डी है। 97, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए, यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ। ठीक है, वैसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी 8 जनवरी 1994 को। ये 28 सितंबर 1993 को राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा लागू हुआ था। ठीक है, 98, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया? तो आपको बता देना है 12 अक्टूबर 1993। 99, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति में कौन शामिल नहीं है पूछ रहा है। तो याद रखिए, राज्य पूछ रहा है, प्रधानमंत्री नहीं है, डी ऑप्शन है 99 का। विधानसभा का अध्यक्ष होगा, मुख्यमंत्री होगा, राज्य का गृह विभाग का प्रभारी मंत्री होगा। ठीक है, डी ऑप्शन गलत है इसमें। 100, निम्नलिखित अध्याय 52 के प्रावधानों में से असम्मिलित को चुनना है। ठीक है, तो इसमें बी है, अध्याय 4 विविध आयोग की कित और शक्तियां हैं, अध्याय 5 में राज्य मानव अधिकार आयोग, अध्याय 6 में मानव अधिकार न्यायालय। ठीक है, चलिए, ये थे हमारे फर्स्ट पेपर, 5 सेट देखेंगे हम लोग दृष्टि के भी। ठीक, तो ये फर्स्ट था हमारा। आपको बता दें, ये भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2019 जो प्ले लिस्ट बनी हुई है, सूची, उसी में डले रहेंगे, या MPPSC में। ठीक है, 2 सूचियों में पड़े रहेंगे अपने। 5 सेट पिछले हम लोग देख चुके हैं और ये 5 दृष्टि के देखेंगे हम लोग। ठीक है।